आज मैं आपको बताने वाली हूँ बच्चों के कान के दर्द के लिए बहुत ही बेहतरीन तेल। अगर आपके बच्चे के कान में दर्द रहता है या वो रोता रहता है या उसको इरिटेशन महसूस होती है बच्चे को अपने कान में, या उसके कान में कोई चींटी या कुछ कीड़े मक्खी वगैरह चले जाते हैं, तो ये तेल आप डालें। ये बहुत ही बेहतरीन तेल है, एक दो दिन में इंशाल्लाह आपके बच्चे के कान में आराम आ जाएगा, आप खुद देखेंगे। तो ये तेल आप बनाना कैसे हैं मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ले लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल वैसे भी बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, बेहतरीन होता है। तो आपको सरसों का तेल लेना है। सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन के 4-5 जवा, और फिर उसमें हम डाल देंगे 4 से 6 लौंगे डाल देंगे। इसको हम इतना पकाएंगे कि लौंगे बिल्कुल जल जाएं। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल काली होकर जल जाएंगी, जैसे ये आप देख सकते हैं बिल्कुल काला होकर जल गया। फिर कर लेंगे हम इसको ठंडा, और हम ऐसी बोतल में रखेंगे जिससे हमें बच्चे के कान में ड्रॉप्स डालने में आसानी हो, और इसको हम सेव कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। ये हम बड़ों के कान में भी डाल सकते हैं, अगर बड़ों के कान में दर्द हो तो ये बड़ों के कान के लिए बहुत बेहतरीन है। और सर्दियों में आप इसको गर्म करके बच्चों के कान में डालें तो वो ठंड से भी बचेंगे। और इसको सर्दियों में डालने का तरीका ये है कि आप इसको हल्का सा गर्म कर लें और बच्चे के कान में डाल दें, या बच्चे की नाक में भी डाल सकते हैं अगर उसकी नाक जैसे बंद हो रही हो बार बार, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अक्सर टूटते हुए नाक बंद होती है, और एक एक ड्रॉप आप लगा दें। ये तेल बहुत ही जादुई है समझे बच्चों के लिए, बच्चों को इससे बहुत आराम आता है और इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। और ये जो है बड़ों का पहले के लोगों का नुस्खा है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। पहले तो ये सब नॉसलाइन वगैरह नहीं होता था, तो बड़े जो है वो तेल वगैरह ही यूज़ किया करते थे, और ये बहुत ही बेहतरीन है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये बड़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, आप फर्क खुद महसूस करेंगे।